कुरियन ने यह सिखाया कि इम्पोर्ट्स मत करो। अभी ना 2018 RCEP रीजनल कोऑपरेटिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात चल रही थी और पीयूष गोयल जाकर बोले हाँ हम न्यूजीलैंड से 5% उनका इम्पोर्ट्स लेंगे। सोधी जो उस समय मुख्य था GCMMF के अमूल के का कस्टोडियन था RSO थी, उसने प्रेजेंटेशन भेजा कि 1% भी लोगे इम्पोर्ट के रूप में वो देश को बर्बाद करेगा, किसानों को मारेगा। उसका कारण ये है कि जो गाय दूध देती है भैंस दूध देता है तो गर्मी के मौसम में कम देता है, सर्दी के मौसम में ज़्यादा देता है। तो जब भी सरप्लस दूध रहता है विंटर मंथ्स में, आप वो सरप्लस मिल्क को पाउडर में कन्वर्ट करते हो, पाउडर को प्रिजर्व करते हो, और गर्मी के मंथ्स में जो दूध उत्पादन कम रहता है तो आप उसको मिक्स करके रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिल्क में बेचते हो। तो उसी तरह से बैलेंस करते हो, और जहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा रहता है उसको आप आइसक्रीम बनाते हो, उसको आप चीज़ बनाते हो, उसको बटर बनाते हो। ये बहुत अच्छी तरह बैलेंस किया जाता है। अगर आप अचानक इम्पोर्ट अलाउ करोगे पूरा बैलेंस जाएगा। और जिस तरीके से कुरियन ने इस इंडस्ट्री को बचाया है, ये सरकार बचा नहीं सकी तेल के इंडस्ट्री को। 1960s में हमारा 70% डोमेस्टिक प्रोडक्शन था ऑयल सीड्स का, आप इंपोर्ट करके कम भाव में बेच रहे थे, किसानों ने ऑयल सीड्स बोना कम कर दिया। आज हम 80% इंपोर्ट कर रहे हैं। आप इंपोर्ट करोगे और किसान के मार्केट प्राइसिंग को तोड़ोगे तो क्यों बना, क्यों उगाएगा वो, क्यों बोएगा वो सीड्स, वो बीज बोना बंद करेगा। आपको सीखना है क्या आप किस तरीके से आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो इंडस्ट्री को। आप खाली एडिबल ऑयल को देखो, 80% हम इंपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कहा इंपोर्ट करने में आप खाली, आप हम उसको गारंटी दो ना आप इतना ज्यादा पैसा दोगे अगले 5 साल के लिए, और 5 साल के बंद करो इंपोर्ट, और इंपोर्ट बंद अलाउ भी करोगे NDDP जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मार्केट प्राइस में बेचो, ट्रेडर को अलाउ मत करो मार्केट प्राइस तोड़ने के लिए। बट अगर इंपोर्ट बंद कर देंगे तो फेयर ट्रेड नहीं होगा ना वर्ल्ड वाइड। तो आप NDDP ने क्या किया, सरकार के पैसे लेने के बदले NDDP बिकेम सेल्फ फाइनेंसिंग। तो आपका जो भी इंपोर्ट है मैं इधर रखूंगा और लूंगा इंपोर्ट, पर मैं मार्केट प्राइस में बेचूंगा, किसानों का प्राइस नहीं तोड़ूंगा। वो वर्ल्ड ट्रेड के खिलाफ नहीं है। तो बैन मत करो, बैन प्राइवेट इंपोर्टर से बैन करो, पर NDDP जैसा ऑर्गेनाइजेशन तेल के लिए बनाओ जो सेल्फ फाइनेंसिंग हो, सरकार से पैसा नहीं लेता है, और जो भी सरप्लस आता है वो किसानों के लिए जाता है, वो अलाउड है। कुरियन ने जो क्रिएट किया, जो शुरुआत की, सब पूरी दुनिया चौंक गई, क्योंकि वो बिल्कुल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के मुताबिक था, एक भी रूल तोड़ा नहीं। पर सरकार की इच्छा है कि जहां भी हो मुझे अपनी उंगली लगाना है, जहां भी है उधर से मुझे फायदा निकालना है। जो भी किसान है उसका वोट चाहिए, इसका मतलब मुझे उसे पैसे देना है। NDDP क्यों पैसा दे, मैं दूंगा ना। यह राजनीति ने जिस तरीके से किसानों से खेला है वो अच्छा नहीं है देश के लिए, क्योंकि आज 50% जो पॉपुलेशन है वो रूरल पॉपुलेशन है। जो रूरल पॉपुलेशन है वो कंज्यूमर्स है, जो कंज्यूमर्स है उनको परचेसिंग पावर मिलता है, उनका परचेसिंग पावर दूध से आता है। अगर वो परचेसिंग पावर कम होता है वो नहीं खरीदता है, इंडस्ट्री को अफेक्ट होता है, आपका पूरा इकोनॉमिक डिक्लाइन। 1916 से देखिए GDP का ग्रोथ रेट कम हो रहा है। उसका एक मुख्य कारण यह है कि आपने किसानों का परचेसिंग पावर तोड़ा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज राजशमानी क्लिप्स ऐसी क्लिप्स लाएगा पॉडकास्ट पे से जो शायद पॉडकास्ट पे भी नहीं होती, एक्सक्लूसिव अनकट अनफिल्टर्ड कंटेंट जो आपको एक बेटर लीडर बनने में हेल्प करेगा, जो आपको इंडिया में स्मार्ट इंसान बनने की हेल्प करेगा, एंड जो आपको हेल्प करेगा कि आप आपका इन्फ्लुएंस, ग्रोथ, प्रॉफिट, बिजनेस एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को कैसे ग्रो करें। इन सब चीज़ों को बढ़ाने के लिए, इन सब चीज़ों में एक्सेल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।